शराबबंदी के कानून को लेकर जहां एक तरफ उत्पाद विभाग एक्शन में नजर आ रही है, वहीं अब राज्य के पुलिस ने भी अब शराब कारोबारियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर का है, जहां पुलिस ने शराब कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कच्चे शराब और जहरीले शराब की बन रही खेप को मौके पर ही नष्ट कर दिया है। दरअसल अहियापुर थाना क्षेत्र के दियारा क्षेत्र के गंडक नदी के तट पर बड़े पैमाने पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था। आपको बता दें कि अहियापुर पुलिस ने एक दिन में कई शराब भट्टी को ध्वस्त किया है, जिसमें करीब 2000 लीटर शराब समेत अन्य शराब संबंधी सामग्री को नष्ट किया गया। फिलहाल मुजफ्फरपुर पुलिस शराब तस्करी और निर्माण करने वाले धंधेबाज पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज जिले के अहियापुर के थाना क्षेत्र के आगे भी शराब और तस्कर के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई की गई। सूचना मिली थी कि गंडक नदी के किनारे माधोपुर पंचायत में ये शराब माफिया के द्वारा शराब चुलाई एवं बेची जाती है। इस सूचना को सत्यापन आवश्यक कार्रवाई के लिए एक टीम गठित कर वहाँ पर भेजे और छापेमारी किए, जिसमें काफ़ी मात्रा में वहाँ पर छोबा को भी नष्ट किया गया है। 160 लीटर शराब बरामद हुआ था, जिसे जब्त कर विधिवत कार्रवाई करने के लिए हम लोग 7 के अभियुक्त बनाए हैं। इसके साथ ही अहियापुर और साहिबगंज थाना क्षेत्र में भी अनूप कुमार के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब को नष्ट किया गया है। वैसे पिछले कुछ दिनों में जिले की पुलिस लगातार अवैध शराब कारोबारियों के निर्माण वाली ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।